गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के टाइप्स पढ़ेंगे, जिसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज्ड बिजनेस सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स आते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स डेट आर पुट टुगेदर फॉर स्पेसिफिक पर्पस और टास्क। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो एक स्पेसिफिक पर्पज़ या टास्क को कंप्लीट करने के लिए बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, एमएस वर्ड इज़ अ पैकेज डेट इज़ यूज फॉर डॉक्यूमेंटेशन। जैसे एमएस वर्ड डॉक्यूमेंटेशन पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। डीटीपी या फिर डेस्कटॉप पब्लिशिंग पैकेजेस आर यूज फॉर स्पेशली फॉर एडिंग पब्लिशिंग वर्क। और जो डीटीपी या डेस्कटॉप पब्लिशिंग पैकेज होता है वो पब्लिशिंग वर्क के लिए बनाया जाता है, उसको डिज़ाइन किया जाता है। दो टाइप के होते हैं, सबसे पहले होता है जनरल पर्पज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन्स ऑन द टॉप ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर पर रन करता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विदाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम। और बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पढ़ लेते हैं जनरल पर्पज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दीज आर सॉफ्टवेयर क्रिएटेड बाय मेजर कंपनीज़ फॉर जनरल पर्पज़ यूज़। ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ के द्वारा डिज़ाइन किए जाते हैं जनरल पर्पज़ यूज़ करने के लिए। ई सॉफ्टवेयर हैज़ अ स्पेसिफिक वैल्यू यूज़ वट एनी वन कैन परचेज इट। हर एक सॉफ्टवेयर की एक अपने स्पेसिफिक यूज़ होता है और इसे कोई भी परचेज़ कर सकता है एंड यूज़ इट ऑफ विदाउट मेकिंग एनी मॉडिफिकेशन टू इट। लेकिन हम इसमें कोई भी चेंजेस मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर्स जो अवेलेबल हैं मार्केट में उनके नाम जैसे यहाँ पे दिए हुए हैं। फर्स्ट है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ये यूज़र्स को डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए या एडिट करने के लिए अलाउ करता है, परमिशन से हम आसानी से अपने डॉक्यूमेंट्स को और क्रिएट कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं, जैसे वर्ड पैड, एमएस वर्ड, ओपन ऑफिस राइटर एक्सेट्रा। दूसरा है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। इसके थ्रू हम वर्कशीट बना सकते हैं या कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे एमएस एक्सेल, लोटस 1-2-3, बेसिक कैल, ओपन ऑफिस केयर, काल्क एक्सेट्रा। ये इसके जनरल पर्पस, ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, किसी भी डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं बड़े अमाउंट ऑफ डाटा में से करेक्टली एंड क्विकली। जैसे इसके जो एग्जांपल हैं वो आते हैं आपका एमएस एक्सेस, साइबेस, ओरेकल, ओपन ऑफिस बेस एक्सेट्रा। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर, जिसमें हम प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। जैसे यूज़र को प्रेजेंटेशन बनाने के लिए उसको डिफरेंट मीडिया से अटैच करने के लिए अलाउ करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पावर पॉइंट, ओपन ऑफिस इम्प्रेस एक्सेट्रा, ये इसके एग्ज़ाम्पल हैं। नेक्स्ट है मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन सॉफ्टवेयर। इसमें यूज़र अपने इमेजेस को, ऑडियो वीडियो को बना सकते हैं, उसको देख सकते हैं। रियल प्लेयर, मीडिया प्लेयर और ड्रीम वीवर, फ्लैश, ये सभी मल्टीमीडिया और एनिमेशन सॉफ्टवेयर के एग्ज़ाम्पल्स हैं। नेक्स्ट आता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग पैकेजेस। इसमें जितना भी पब्लिशिंग वर्क या प्रिंटिंग टास्क होते हैं, जैसे कोई भी चीज़ को क्रिएट करना है, उसका फॉर्मेटिंग करनी है डॉक्यूमेंट्स की या बुक की या इनविटेशन कार्ड्स की, विजिटिंग कार्ड्स की, तो ये सभी काम डीटीपी पैकेजेस में किया जाता है, जिसमें आपका कोरल ड्रॉ आता है और एडोब पेज मेकर आता है। जितने भी विजिटिंग कार्ड्स होते हैं या इन्विटेशन कार्ड होते हैं, ये सभी कोरल ड्रॉ और एडोब पेज मेकर से ही क्रिएट किए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है कस्टमाइज बिजनेस सॉफ्टवेयर। इसमें क्या होता है, कस्टमाइज बिजनेस सॉफ्टवेयर इज़ वन वेयर सॉफ्टवेयर इज क्रिएटेड फॉर अ पर्टिकुलर कस्टमर। यहाँ पर ये भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं वे पर्टिकुलर कस्टमर के लिए होते हैं। अ सॉफ्टवेयर क्रिएटेड फॉर वन कैन नॉट बी यूज बाय अनदर विदाउट सम मॉडिफिकेशन। और जो भी सॉफ्टवेयर बनाया जाता है वो कोई भी दूसरा पर्सन उसको यूज़ नहीं कर सकता है जब तक उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन ना किए जाएं, या फिर उसे बिना मॉडिफाई किए आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अ होटल बिलिंग सिस्टम यूज्ड इन अ होटल। एक होटल बिलिंग सिस्टम है वो सिर्फ होटल में ही यूज़ किया जा सकता है, कहीं और उसका यूज़ नहीं हो सकता है। या फिर
एक शॉपिंग मॉल है जिसमें हम यूज़ करते हैं, तो वो रिटेल शॉप पर उसकी प्रोसेसेस की जो भी प्रोसेस होती है उसको हम एक शॉपिंग मॉल वाले सॉफ्टवेयर को एक रिटेल शॉप वाले सॉफ्टवेयर से हम उसको नहीं जोड़ सकते, उसका यूज़ वहाँ पर हम नहीं कर सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर बिज़नेस के लिए पर्टिकुलर टाइप का जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसको हम कस्टमाइज सॉफ्टवेयर या फिर बिज़नेस सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, दिस सॉफ्टवेयर हेल्प अ स्कूल टू मैनेज ऑल देयर पर्पजेज लाइक स्कूल फीस कलेक्शन डाटा, स्टूडेंट डाटा, एग्जामिनेशन रिजल्ट प्रोसेसिंग, लाइब्रेरी ट्रांजेक्शन एक्सेट्रा। अगर कोई एक सॉफ्टवेयर स्कूल के लिए बनाया गया है तो वो स्कूल में क्या क्या प्रोसेस कर सकता है, जैसे फी कलेक्शन का, स्टूडेंट डाटा का रिकॉर्ड रखने के लिए, एग्जामिनेशन का रिकॉर्ड रखने के लिए, या रिजल्ट बनाने के लिए, लाइब्रेरी ट्रांजेक्शन करने के लिए, इन सभी का वो मैनेजमेंट कर पाएगा। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अ वेरी पॉपुलर बिजनेस सॉफ्टवेयर यूज्ड बाय स्मॉल और लार्ज एंटरप्राइजेस फॉर देयर कंप्लीट मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स। और ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, इसमें जो भी बिजनेस सॉफ्टवेयर बनाया जाता है तो वो उनके कंप्लीट मैनेजमेंट को और उसके जितने फाइनेंशियल अकाउंट्स होते हैं उन सभी को वो यूज़ करता है, उसको स्टोर करता है। नेक्स्ट आता है एचआर मैनेजमेंट, एचआर मैनेजमेंट एंड अटेंडेंस। अगर किसी भी बड़ी कंपनी में या बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में नंबर ऑफ पर्सन्स या नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो उनका इन्फॉर्मेशन रखने के लिए, सैलरी इन्फॉर्मेशन रखने के लिए, अटेंडेंस रिकॉर्ड करने के लिए हम जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो एचआर मैनेजमेंट एंड अटेंडेंस सॉफ्टवेयर के कैटेगरी में आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है बिलिंग सिस्टम, जैसे होटल्स में, शॉपिंग मॉल्स में, या फिर स्मॉल स्टोर्स में, या हॉस्पिटल्स में जो भी प्रोडक्ट को सेल किया है या जो भी सर्विस दी है उन सभी का रिकॉर्ड मेंटेन करना है, तो उसके लिए बिलिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का हम वहाँ पर यूज़ करते हैं। इसी तरीके से रिजर्वेशन सिस्टम होता है, एवरी कॉमन मैन इज एसोसिएटेड विद अस दिस सॉफ्टवेयर एज अ रेलवे टिकट्स रिजर्वेशन एंड कैंसिलेशन प्रोसीजर आर मोस्ट कम्प्लीटली कंप्यूटराइज। जैसे इसे कोई भी कॉमन मैन बहुत ही आसानी से इस सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकता है। इसमें आप टिकट, रेलवे की टिकट रिजर्वेशन करा सकते हैं, उसको कैंसिल करा सकते हैं, ठीक है। जो भी ये पूरा कंप्यूटराइज्ड होता है, आप इसको किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? बाय डिफाइनिंग अ यूटिलिटी इज़ अ स्मॉल प्रोग्राम डेट प्रोवाइड्स एडिशनल कैपेबिलिटीज़ टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये यूटिलिटी प्रोग्राम कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को कुछ एडिशनल कैपेबिलिटीज़ दे देते हैं। जैसे यूटिलिटीज़ हेल्प यू टू मैनेज एंड ट्यून द कंप्यूटर हार्डवेयर। आप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की मदद से अपने कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज कर सकते हैं, या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मैनेज कर सकते हैं। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड सर्विस रूटीन, इन्हें हम सर्विस रूटीन भी बोलते हैं। नाउ अडेज मैनी ऑफ द यूटिलिटीज़ प्रोग्राम्स कम एज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर इट्सेल्फ। और कुछ यूटिलिटीज़ प्रोग्राम आज के टाइम में, या आज जो आप न्यू पीसीज जो आ रहे हैं उनमें, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ही पार्ट बन के आते हैं, इसलिए हमें उनको अलग से इंस्टॉल अपने कंप्यूटर में नहीं करना पड़ता है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बाकी की हम नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ़ यू।